In this lecture, we will discuss about vector subspace. देखो जैसे हमने definition करी vector space की, तो उसमें हमने definition के according 10 properties satisfy करी. 5 under addition और 5 under multiplication. जो 5 under addition थी, वो हमारे पास group की ही 5 properties होती हैं. और इसके अलावा जो मल्टीप्लिकेशन की करी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी और वो एक्सटर्नल कंपोजिशन की एक एग्जांपल थी. तो आज अपने पास सबसे पहले डेफिनेशन है वेक्टर सबस्पेस की. तो देखो कोई भी वेक्टर सबस्पेस कब बनेगा, जबकि हमारे पास दिया हुआ है कि V एक वेक्टर स्पेस है. वेक्टर स्पेस है तो ओवरऑल फील्ड होता है. फील्ड तुम्हें पता है कि रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन नंबर सिस्टम है जो फील्ड बनाते हैं. तो वहां से कांस्टेंट नंबर आते हैं फील्ड में से, और वेक्टर्स में से कोई भी वेरिएबल टाइप के एलिमेंट्स आते हैं. वो स्केलर भी हो सकते हैं, पर मतलब उनको हम वेक्टर क्वांटिटी की शेप में यूज करते हैं. तो यहाँ पे अपने पास है कि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ गिवन फील्ड. फील्ड हमें दिया हुआ होगा फील्ड एफ एंड. अब यहाँ पे अपने पास, क्योंकि वी तो वेक्टर स्पेस हो गया, W उसका एक सबसेट है V का. तो W इज अ सबसेट ऑफ V, देन W इज कॉल्ड. तो जो ये पहली बात, तो W को सबसेट होना पड़ेगा, और उसके बाद वो सबस्पेस कब होगा, वो सबस्पेस तब होगा जब वो सारी की सारी वेक्टर स्पेस की 10 की 10 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा. सबसेट तो है ही, और वेक्टर स्पेस की जितनी भी 10 प्रॉपर्टीज थी, W इट सेल्फ वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, तो वो W इट सेल्फ एक सबस्पेस बन जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, और क्योंकि वो सबसेट है W का, इसलिए वो सबस्पेस बन जाएगा. और कंपोजिशन कौन सी है, वही सेम अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने V के अंदर डिफाइन करी है. एडिशन इंटरनल कंपोजिशन है और मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन की एग्जांपल है. तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, डेफिनेशन है. अब इसके अलावा देखो, जो वेक्टर स्पेस हमारे को कभी भी गिवन होगा तो उसके दो ट्रिवियल सबस्पेस होंगे ही होंगे. कौन से, एक तो जीरो, मतलब क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तो हर एक सबसेट के अंदर होता ही होता है. जब भी हम सबस्पेस बनाएंगे किसी भी वेक्टर स्पेस से, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी होनी जरूरी है, तो सिंगलटन एलिमेंट जीरो. तो उसके अलावा एक अपने पास वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, ये दो सबस्पेस होंगे ही होंगे किसी भी एक वेक्टर स्पेस के, और इन्हें हम कहेंगे इम्प्रॉपर वेक्टर स्पेस या ट्रिवियल वेक्टर स्पेस. और इनके अलावा कोई भी अगर हमारे पास सबस्पेस वेक्टर स्पेस का एग्जिस्ट करता होगा, जो कि केवल और केवल या तो सिंगलटन एलिमेंट जीरो ना हो, और या पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ वेक्टर स्पेस ना हो, तो ऐसे स्पेस को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सबस्पेस. अब देखो इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है. इस थ्योरम में हमारे को क्या दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट नॉन एम्प्टी सबसेट. देखो ये है हमारे पास कि सबसेट एम्प्टी नहीं है, कि कम से कम एक एलिमेंट तो सबसेट के अंदर है ही है. तो वो W है उसका सबसेट, किसका, वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड F. ठीक है, जो ये V F है इसका मतलब होता है वेक्टर स्पेस V अंडर द ओवर ए गिवन फील्ड F. तो ये अपने को बताना है सबस्पेस है इफ एंड ओनली इफ. कौन कौन सी कंडीशन है, कि W क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले अब हमने क्या कहा, आई डबल एफ एफ. तो अपने को पता है कि ऐसे केसेस में अपने को पहले हम ये मान के चलेंगे कि W एक सबस्पेस है, और ये प्रूव करेंगे कि ये क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. दूसरी बार हम ये मान के चलेंगे कि W क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और हम प्रूव करेंगे कि W सबस्पेस है. तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में गिवन हम ले लेते हैं कि W सबस्पेस गिवन है हमारे को वेक्टर स्पेस का. तो देखो अगर W एक सबस्पेस है तो ऑब्वियसली जो 10 प्रॉपर्टीज हैं उनमें पहली कौन सी है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, और वहां से
जो अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो पहली हो गई क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गई, और दूसरी हो गई क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दोनों ही हमारे पास प्रॉपर्टीज अगर वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, तो ऑब्वियसली दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं एंड हेंस द रिजल्ट. अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. अब हमने सेकंडली क्या कहा कि W है जो क्लोज्ड अंडर एडिशन दिया हुआ है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और हमें ये प्रूव करना है कि W एक वेक्टर स्पेस है. तो यहाँ पे देखो, फिर अब हमने क्या किया कि अगर अपने पास, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई दो एलिमेंट हमने मान लिए, कि जो एक डब्ल्यू सबसेट के अंदर है, ये अभी फिलहाल सबसेट है हमारा डब्ल्यू, सब स्पेस प्रूव करेंगे. तो उसके लिए हम 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे, और अल्फा जो हमने स्केलर लिया है वो फील्ड से लिया है. तो यहां से हमारे पास देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या दिया है, क्लोज अंडर एडिशन, तो यानी कि एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू दे दिया, और अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू दे दिया. तो ये हमारे को गिवन है, और सब स्पेस अब हम प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मैंने क्या माना, क्योंकि फील्ड है और फील्ड में मुझे पता है कि 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो माइनस वन तो बिलोंग करता ही करता है फील्ड में. तो माइनस वन बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ये सबसेट का एलिमेंट मैंने एक्स कंसिडर कर लिया. और यहां पे क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि अल्फा एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस वन इंटू एक्स जो है ये भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर गया. तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस एक्स बिलोंग कर गया डब्ल्यू में, और माइनस एक्स क्या होता है, ये तो एडिटिव इनवर्स होता है. तो फिर दोबारा आ जाओ, अब हमारे पास क्या है कि अगर एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू में और माइनस एक्स भी बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स प्लस माइनस एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू में, यानी कि जीरो भी बिलोंग करता है, और जीरो क्या है, जीरो इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ डब्ल्यू. तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या हो गया कि यानी कि मेरे पास अब ऐसा हो गया कि x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स, यानी कि जीरो मेरी लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो गई और राइट आइडेंटिटी भी हो गई, और इसी तरीके से x मेरा एडिटिव इनवर्स में लेफ्ट इनवर्स भी हो गया और राइट इनवर्स भी हो गया. x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब इसके अलावा देखो, ये दो प्रॉपर्टीज मैंने सेटिस्फाई कर दी, बाकी अब मुझे कुछ भी नहीं सोल्व करना, बाकी सारी मैंने लिखनी है. क्योंकि देखो मैंने कितनी प्रॉपर्टीज सोल्व कर दी, वेक्टर स्पेस के लिए कितनी चाहिए थी मुझे, 10 प्रॉपर्टीज चाहिए थी, और मैंने कितनी सोल्व कर दी, 4, क्यों, 2 तो मुझे गिवन ही है और 2 मैंने यहां से प्रूव कर दी, तो बाकी अब कितनी बच गई, 6 सिर्फ मुझे अब लिखनी है. तो मैंने अब क्या कहा, मैंने कहा क्योंकि जो डब्ल्यू है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस का, यानी कि जो डब्ल्यू के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, वो वेक्टर स्पेस V के ही हैं. तो जो भी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे है, V पे है, वही प्रॉपर्टी W वाले एलिमेंट्स पे ऐसी वाली, जैसे कि एसोसिएटिव हो गई, क्लोजर हो, वो कॉम्यूटेटिव हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है कि होंगी ही होंगी. तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, क्योंकि जो भी W का एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस का तो है ही है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस में ये कॉम्यूटेटिव है, इसी तरीके से वेक्टर स्पेस में ये एसोसिएटिव है. लिखेंगे हम यहाँ पे डब्ल्यू ही, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये हमने यहाँ लिख दिया कि डब्ल्यू क्योंकि पूरी तरीके से वी में कंटेन करता है, तो जो भी एलिमेंट डब्ल्यू के हैं वो वी में होंगे ही, और वही प्रॉपर्टी इनके अंदर डब्ल्यू वाले के अंदर भी ये वही दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे. यहां से मेरी 5 की 5 अंडर एडिशन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई. अब रह गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. स्केलर की अब हमारे को सिर्फ एक क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज थी वो जस्ट मैंने लिख दी. लिखने के अलावा और हमें कुछ भी यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई है और अल्फा, तो ये हमें पता ही है कि ये अंडरस्टूड है. बस सिर्फ जस्ट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में लिखा था, बस अब यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस की बजाय हम किस में लिख देंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऊपर एक हमने की हुई है. तो यानी कि सिस्टम ने
ये जो W है, W क्या था? सबसेट था, और उसने वेक्टर स्पेस की 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी, इसलिए W एक सबस्पेस बन गया, और यही हमें प्रूव करना था. नाउ वी हैव वन मोर थ्योरम इन विच वी हैव टू प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ. देखो अब हमारे को जो फर्स्ट कंडीशन है, पहले क्या थी? क्लोज्ड अंडर स्केलर अंडर एडिशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोज्ड अंडर एडिशन, और सेकंड थी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. देखो यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी तो वही है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी क्लोज्ड अंडर एडिशन उसकी बजाय अब यहां हमारे पास क्या है कि x और y दो एलिमेंट्स दे दिए w के, और यहां रिजल्ट में दिया x माइनस y बिलोंग्स टू w. और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे को क्या बतानी होती है कि फिर अब अपने को अब वही कंडीशन है कि i डबल f, तो अब हम वही दो केसेस लेंगे. पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि w सबस्पेस दिया हुआ है वेक्टर स्पेस v का ओवर अ फील्ड f. तो यहां हमारे को अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, x और y बिलोंग करते हैं w के अंदर, और अगर क्योंकि ये सबस्पेस है तो मुझे पता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये मुझे गिवन है कि w इज अ सबस्पेस. तो x है तो y है, तो y है तो माइनस y भी बिलोंग करेगा. तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि x को तो x ही रखा, y की जगह पे मैंने ले लिया माइनस y, क्योंकि माइनस y का एडिटिव इनवर्स बिलोंग करेगा ही करेगा w में, और क्योंकि ये सबस्पेस है तो मुझे पता है कि सबस्पेस है तो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है. तो इस करके यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन भी w के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि x माइनस y w के अंदर बिलोंग करेगा, और यही मुझे ये पहली प्रॉपर्टी थी जो मेरी प्रूव हो गई. और सेकंड प्रॉपर्टी तो मुझे पता ही है कि अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, एंड लिखना बस पड़ेगा सारा कुछ ही दोबारा से कि अल्फा फील्ड में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू में से, इंप्लाइज दैट अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू. तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में अब हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमें फर्स्ट टू कंडीशंस गिवन है, और हम ये प्रूव करेंगे कि W एक वेक्टर सबस्पेस है VF का. तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास है माइनस वन तो फील्ड का एलिमेंट होगा ही होगा, और यहाँ पे x बिलोंग करता है W के अंदर. तो जब मेरे पास, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस एक्स बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, और माइनस एक्स मुझे पता है कि ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स. तो यानी कि मेरी एक प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स वाली तो हो गई सेटिस्फाई. पर देखो पिछले वाले थ्योरम में हमारे को क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन प्रूव करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां दिया हुआ था, पर यहाँ पे हमारे को x माइनस y दिया हुआ है, जबकि क्लोज्ड अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी होती है x प्लस y. तो मुझे इस बार x प्लस y भी बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये एक प्रॉपर्टी x प्लस y वाली भी एक्स्ट्रा सोल्व करनी पड़ेगी. तो उसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू w और y बिलोंग्स टू w, तो मुझे पता है क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल गया कि W के अंदर जो कोई भी एलिमेंट होगा हर एक उस एलिमेंट का इनवर्स भी W के अंदर ही होगा. तो इसका मतलब अगर, और मैं अपनी मर्जी है मेरी कि मैं कौन से एलिमेंट का इनवर्स कंसीडर करूं, तो X मैंने एज इट इज ले लिया और Y के साथ मैंने Y का इनवर्स ले लिया. प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे ये पता है कि अगर X और Y बिलोंग करते हैं W में तो X माइनस Y बिलोंग करते हैं W में, यानी कि अगर x और माइनस y बिलोंग करते हैं w में तो x माइनस माइनस y बिलोंग करेंगे w में. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि x प्लस y बिलोंग करेगा w में, और ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो यहाँ पे मेरी ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की वो भी सेटिस्फाई हो गई. अब मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, देखो मैंने क्लोज्ड अंडर एडिशन प्रूव कर दिया, एडिटिव इनवर्स प्रूव कर दिया, अब मेरे को एक जरूरी होता है एडिटिव आइडेंटिटी. तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया कि x बिलोंग करता है w में तो माइनस x भी बिलोंग करता है w में,
तो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास चाहे इस वाली प्रॉपर्टी में सब्सटीट्यूट कर दो x प्लस माइनस एक्स जीरो बिलोंग्स टू w, या फिर दोबारा ये भी कर सकते हो x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू w, और ये जो गिवन प्रॉपर्टी है इसी में सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा x माइनस एक्स जीरो बिलोंग्स टू w। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से सोल्व करते हो, इसके अंदर भी सब्सटीट्यूट करके कर सकते हो और इसमें डायरेक्ट करके भी कर सकते हो, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो शो करने से है। और इसके बाद वाली तो जो सारा रिजल्ट है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो मेन चीज अब हमारे पास क्या आई कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स बताना है। क्लोज्ड अगर दे रखी है फिर तो हमें प्रूव नहीं करना था क्लोज्ड अंडर एडिशन, यहाँ पे एक्स माइनस वाई की वजह से हमें क्लोज्ड अंडर एडिशन भी प्रूव करना पड़ गया। और बाकी प्रॉपर्टीज क्योंकि डब्ल्यू क्या चीज है, डब्ल्यू एक सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, तो जो भी डब्ल्यू के एलिमेंट है वो सारे के किसके एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस वी के हैं। और जो जैसे वो वेक्टर स्पेस के अंदर बिहेव करते हैं ऑब्वियसली वही सारा बिहेवियर उनका डब्ल्यू के अंदर भी सेम रहेगा। तो बाकी जो क्लोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव हो गई और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंडर, देखो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की एक प्रॉपर्टी तो दी हुई है, बाकी चार प्रॉपर्टी एज इट इज हम पर मेंशन हमारे को वही हुई है कि सारी की सारी बतानी पड़ेगी जब हमें वेक्टर स्पेस बताना है, तो 10 प्रॉपर्टी बतानी है। बेशक से ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है पर इनको हमारे को एंड में लिखना जरूर है। देयर इज वन मोर थ्योरम रिगार्डिंग टू वेक्टर सबस्पेस। इन दिस थ्योरम द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ओवर वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी अ सबस्पेस ऑफ वी इज दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी थ्योरम थी उसमें हमने क्या किया, अपने को एक तो दे रखा था क्लोज्ड अंडर एडिशन और दूसरा दे रखा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड में हमारे को x प्लस वाई की जगह पे x माइनस वाई और दूसरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ये थर्ड में हमारे को एक ही में दोनों कंडीशंस वेरीफाई कर दी, तो अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, मतलब हम बार बार दो कंडीशंस भी हम नहीं चेक करेंगे, हम देख लेंगे कि अगर कोई भी सिस्टम ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे कि वो सबस्पेस होगा, वेक्टर सबस्पेस होगा। तो कौन सी कंडीशन है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब यहां पे हमने क्या किया कि वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों को एक ही कंडीशन में कंबाइन कर दिया, तो अब इसके लिए नेसेसरी एंड कंडीशन सफिशियंट है तो भी हमारे को दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कंसीडर कर लिया नेसेसरी कंडीशन, इसमें हमने कंसीडर किया कि डब्ल्यू सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी एफ का, तो अब हमारे पास यहाँ पे है क्या कि अल्फा और बीटा दो स्केलर्स हैं जो कि फील्ड में बिलोंग करते हैं और एक्स वाई दो वेक्टर्स हैं जो कि डब्ल्यू सबसेट के अंदर बिलोंग करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू भी सबस्पेस है तो डब्ल्यू सबस्पेस के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स वेक्टर सबस्पेस का यानी कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, और हमें पता है कि वेक्टर स्पेस क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसलिए अल्फा एक्स डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा बिल्कुल सेम तरीके से। अगर बीटा स्केलर फील्ड के अंदर का है और वाई एलिमेंट वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का है तो बीटा वाई भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू सबस्पेस के अंदर। अब फिर हमें यह भी पता है क्योंकि डब्ल्यू सबस्पेस है और अल्फा एक्स बीटा वाई बिलोंग करते हैं डब्ल्यू में और डब्ल्यू क्लोज है अंडर वैक्टर एडिशन, तो इसलिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का जो सम है ये भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, वेक्टर सबस्पेस के अंदर बिलोंग करेगा और यही हमें बताना था, तो ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन हो जाती है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सफिशियंट कंडीशन में। देखो सफिशियंट कंडीशन करने के हमारे पास अब कई तरीके हो जाते हैं, हमारे को ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा बिलोंग करता है फील्ड में, एक्स वाई बिलोंग करता है डब्ल्यू सबसेट में। अब ये क्या है, डब्ल्यू एक सबसेट है, इसे वेक्टर स्पेस हमें प्रूव करना है और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता है डब्ल्यू में, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि डब्ल्यू सबस्पेस है। तो सबसे पहले तो हमने, देखो अगर तुम्हें क्लोज्ड अंडर एडिशन बताना है
तो तुम्हारे को ये जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे माइनस वन पुट करो, तुम अल्फा की जगह पे प्लस वन, बीटा की जगह पे यहाँ पे प्लस वन, अल्फा की जगह पे प्लस वन, बीटा की जगह पे प्लस वन पुट करोगे अगर, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये रिजल्ट बन जाएगा x प्लस वाई बिलोंग्स टू w, और ये कंडीशन क्या होगी, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। और फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एक हम निकालते हैं एडिटिव, ये एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हमारे को क्या चाहिए कि अगर x लाई करता है तो माइनस एक्स भी लाई करता होना चाहिए, तो उस केस में मैं अल्फा की जगह पे क्या कंसिडर कर लूंगी, माइनस वन, और बीटा की जगह पे क्या कंसिडर कर लूंगी, जीरो। तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, देखो माइनस अल्फा प्लस, मतलब अल्फा की जगह पे मैंने कंसीडर किया है माइनस वन, तो माइनस एक्स प्लस जीरो वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही इनवर्स बता दूंगी। इसी तरीके से मेरे पास हो जाएगा कि अगर मैं अल्फा को वन ले लू, बीटा को माइनस वन ले लू, और यहाँ पे एलिमेंट दोनों ही एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू कंसिडर कर लू, तो यहां से एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और उसके बाद बाकी जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और बाकी बची हुई पांच प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे हम लिखते हैं लास्ट थ्योरम्स में भी हमने लिखी, बिल्कुल उसी तरीके से हम सारी प्रॉपर्टीज लिख देंगे, और कि ये सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स W के अंदर है वो वेक्टर स्पेस के अंदर है ही, इसलिए वो वहां पे भी ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगे, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोज अंडर एडिशन, ये हमने प्रूव कर ही दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑल्सो अ सबस्पेस। तो अब इसके लिए हमारे पास है क्या कि हमने कंसीडर कर लिया कि W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं किसी एक वेक्टर स्पेस V के ओवर अ गिवन फील्ड F। तो अब क्योंकि देखो जो हमने रिजल्ट किया है, हमने कहा है कि सबस्पेस के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो W1 भी एक सबस्पेस है, W2 भी एक सबस्पेस है, तो अगर अल्फा बीटा दो एलिमेंट्स हैं जो स्केलर्स हैं, फील्ड में बिलोंग करते हैं, और एक्स वाई दो वेक्टर्स हैं जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर बिलोंग करते हैं। अब अगर बाय चांस X बिलोंग करता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट होता है, यानी कि वो W1 के अंदर भी है और W2 के अंदर भी है, इसी तरीके से Y एलिमेंट भी W1 के अंदर भी हो गया, W2 के अंदर भी हो गया। अब क्योंकि W1 एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का, और सबस्पेस की कंडीशन अभी अभी हम थ्योरम करके आए कि अब मेरे को सिर्फ, मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये शो नहीं करना कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू w या x माइनस वाई बिलोंग्स टू w और अल्फा x बिलोंग्स टू w, दोनों को मैंने कंबाइन में क्या कर दिया, अब सिर्फ एक कंडीशन अल्फा x प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू w1। तो मैंने क्या कहा कि एक्स वाई बिलोंग करते हैं डब्ल्यू वन में, अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं फील्ड में, तो क्या होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करेगा डब्ल्यू वन में, ये सफिशियंट कंडीशन है मेरी सबस्पेस के लिए। बिल्कुल सेम डब्ल्यू टू के लिए हो गई, क्योंकि डब्ल्यू टू भी मुझे एक वेक्टर सबस्पेस दिया हुआ है, तो सबस्पेस है तो एक्स वाई बिलोंग करता है डब्ल्यू टू में, अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं फील्ड में, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू टू में। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट किस तरीके से आ गया, ये वाला जो एलिमेंट है ये W1 में भी है, यही एलिमेंट W2 में भी है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर ये इंटरसेक्शन के अंदर भी चला गया यही सेम एलिमेंट, और ये तो सफिशियंट कंडीशन किसकी है कि यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस, और यही हमें प्रूव करना था। अगेन वी हैव टू शो दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज नॉट नेसेसरली अ सबस्पेस। देखो जैसे हमने अभी प्रूव किया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस, अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि यूनियन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो पहले हम बगैर कंडीशन ही एक एग्जांपल लेके प्रूव करके बताते हैं कि देखो यहाँ पे यूनियन हमारे पास सबस्पेस नहीं है। तो हमने यहाँ क्या लिया कि एक वेक्टर स्पेस लिया वी थ्री आर का, यानी कि उसके अंदर थ्री एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ हमने x, y, z तीन एलिमेंट्स वाला
एक वेक्टर एलिमेंट कंसीडर किया और जो एक्स वाई जेड एलिमेंट है वो रियल नंबर सिस्टम के ही एलिमेंट्स हैं और फील्ड भी रियल नंबर ही है। तो यहाँ पे लेट डब्ल्यू वन, तो एक एलिमेंट हमने, क्योंकि देखो वेक्टर स्पेस में तीन एलिमेंट वाला कोई भी एलिमेंट होगा तो वो वेक्टर स्पेस वी थ्री का एलिमेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे देखो एलिमेंट तो तीन ही है पर W1 एक ऐसा सेट लिया जिसमें केवल और केवल फर्स्ट टर्म नॉन जीरो है, बाकी दोनों टर्म्स जीरो हैं। ऐसे ही मैंने W2 एक सेट लिया जिसके अंदर की सेकंड टर्म ही केवल नॉन जीरो है, फर्स्ट और थर्ड दोनों जीरो हैं। तो अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि W1 भी एक सबस्पेस है और W2 भी एक सबस्पेस है। सबसेट तो है ही V3 के और ये सबस्पेस भी है। सबस्पेस के लिए मुझे क्या सफिशियंट है शो करना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन। तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया कि यहाँ पे एक यू एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसको मैंने की एक्स जीरो जीरो, ठीक है, ये कंसीडर किया और वी जो एलिमेंट है वो एक्स टू जीरो जीरो, दोनों ही डब्ल्यू वन सेट के एक एलिमेंट कंसीडर करे, दो एलिमेंट्स। और हमारे पास अब जो ये एक्स वन और एक्स टू है वो कौन से नंबर सिस्टम के हैं, क्योंकि हमारे को कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं। तो हमने क्या कहा, x1 और x2 दोनों रियल नंबर हैं और ऐसे ही जो स्केलर्स हैं अल्फा बीटा ये भी हमारे पास रियल नंबर हैं। तो अब अपने पास रिजल्ट क्या हुआ, अल्फा u प्लस बीटा v, अल्फा u प्लस बीटा v के अकॉर्डिंग अल्फा u प्लस बीटा v। अब यहाँ पे u एलिमेंट क्या है, एक्स वन जीरो जीरो और v क्या एलिमेंट है, x2 0 0। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या आ गया, अल्फा x1, यहाँ से क्या आ गया बीटा x2, दोनों पहले नंबर पे ऐड हुए तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 हो गया और बाकी अब देखो ये 0 ये 0 ये 0 0 और सेकंड और थर्ड जगह पे भी कौन सा एंट्री आई, 0 और 0। यानी कि जब मैंने इनको ऐड किया भी तो भी केवल और केवल फर्स्ट पोजीशन पे ही नॉन जीरो एंट्री आई है, सेकंड और थर्ड जगह पे अभी भी जीरो जीरो एंट्री आई है। यानी कि ये वाला एलिमेंट भी मेरे पास किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू वन सेट का ही एलिमेंट है। और ये अगर मैं ये शो कर देती हूँ कि एक्स और वाई, मतलब ये अपने पास इस बार हमने यू और वी लिया है, तो अल्फा यू प्लस बीटा वी अगर यू और वी बिलोंग करते हैं डब्ल्यू वन में, और मैं ये शो कर देती हूँ कि अल्फा यू प्लस बीटा वी ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, तो डब्ल्यू वन मेरे पास एक सबस्पेस हो जाएगा। और जो मैंने प्रूव कर दिया बिल्कुल सेम पैटर्न से, बिल्कुल सेम डब्ल्यू टू को मैं सबस्पेस प्रूव कर दूंगी, ठीक है। मैंने बस सॉल्व नहीं करना, मैं लिख दूंगी कि सिमिलरली आई कैन प्रूव दैट, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू वन भी सबस्पेस हो गया, डब्ल्यू टू भी सबस्पेस हो गया। अब मैं फिर से चलती हूँ, अब मुझे शो करना है यूनियन। तो अब मेरे पास एक मैंने और यहाँ पे यू और वी नाम दिया था, अब मैंने डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू नाम दे दिया क्योंकि एक्स और वाई में एंट्रीज यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे डब्ल्यू वन नाम ले लिया। तो डब्ल्यू वन एक एलिमेंट लिया जो कि डब्ल्यू एक्स वन जीरो जीरो, ये जो एलिमेंट है डब्ल्यू वन का एंट्री कौन सी होगी, डब्ल्यू वन एलिमेंट में से है जो उसमें केवल पहले नंबर पे नॉन जीरो बाकी दोनों एंट्री जीरो जीरो, और जो भी ये एलिमेंट है वो यूनियन में तो होगा ही होगा क्योंकि जो भी एलिमेंट डब्ल्यू का जो है वो डब्ल्यू वन में है और डब्ल्यू वन वाले सारे के सारे एलिमेंट डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू में होंगे ही। सीमित क्लियरली जो भी एलिमेंट डब्ल्यू टू में होगा वो भी डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डब्ल्यू वन एक एलिमेंट हमने इस तरीके का लिया जिसमें केवल फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, W2 वो एलिमेंट लिया जिसमें केवल सेकंड एंट्री नॉन जीरो है, ये एक एलिमेंट लिया कैपिटल W1 का, ये एक एलिमेंट लिया कैपिटल W2 का। अब ये दोनों एलिमेंट्स मेरे पास W1 यूनियन W2 के हो गए। अगर ये दोनों एलिमेंट W1 यूनियन W2 के हैं तो फिर मैंने एक एलिमेंट के साथ यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया, दूसरे के साथ बीटा मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू। अब यहाँ से रिजल्ट में यहाँ हो गया अल्फा एक्स और यहाँ हो गया बीटा वाई, तो पहली एंट्री भी नॉन जीरो, दूसरी एंट्री भी नॉन जीरो हो गई।
और ये ऐसा मेरे पास W1 यूनियन W2 में। अब तुम सोच के देखो कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि या तो सिर्फ पहली एंट्री नॉन जीरो है या सिर्फ दूसरी एंट्री नॉन जीरो है। ऐसा कोई एंट्री हमने कंसीडर नहीं की जिसमें पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, दो एंट्रीज नॉन जीरो हो। ये वेक्टर स्पेस V3 में तो है पर ना W1 में है ना W2 में है, तो W1 यूनियन W2 में कैसे हो सकता है? तो यानी कि ये एलिमेंट W1 यूनियन W2 में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सबस्पेस नहीं हो सकता। इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर्स। मींस दूसरे मतलब में हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों सबस्पेस एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब कि या तो एक दूसरे के अंदर कंटेंट है या दूसरा पहले के अंदर, यानी आइदर W1 इज कंटेंड इन W2 और W2 इज कंटेंड इन W1। तो अब हमने यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्या किया कि लेट अस कंसीडर W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं, एक वेक्टर स्पेस V के ओवर अ फील्ड F। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि W है जो वो W1 यूनियन W2 के है और वो एक सबस्पेस है VF का। अगर ये सबस्पेस है VF का तो हमें ये प्रूव करना है कि आइदर W1 इज कंटेंड इन W2 और W2 इज कंटेंड इन W1। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, हम मान लेते हैं कि इससे उल्टा है, मतलब नाइदर W1 इज कंटेंड इन W2 नॉर W2 इज कंटेंड इन W1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक एलिमेंट X ऐसा जरूर है W1 के अंदर जो कि W2 में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे से कंपैरिजेबल नहीं है, एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से कंटेन नहीं करता, तो कम से कम दोनों के अंदर एक एक डिफरेंट एलिमेंट जरूर है। वो मैंने इधर कंसीडर कर लिया W1 के अंदर X एलिमेंट जो कि W1 में है पर W2 में नहीं है। ऐसे ही एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया Y जो कि W2 में है पर वो Y एलिमेंट W1 में नहीं है, पर क्योंकि X एलिमेंट W1 में है तो W1 यूनियन W2 में होगा। ऐसे ही Y एलिमेंट W1 में W2 में है तो वो भी W1 यूनियन W2 में होगा, यानी कि X और Y दोनों एलिमेंट किसके एलिमेंट हो गए, W1 यूनियन W2 के हो गए। अब यहां से मेरे पास देखो, अब ये मुझे प्रूव करना होगा कि x प्लस वाई, क्योंकि देखो x और y दोनों एलिमेंट W के हैं, तो x प्लस y एलिमेंट मेरे पास, मुझे अब ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 के अंदर होंगे, क्योंकि जो भी सबस्पेस होता है वो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होता ही होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि x प्लस y बिलोंग करता होगा W1 प्लस W यूनियन W2 में। तो अगर ऐसा हो जाता है कि x प्लस वाई बिलोंग कर जाता है, तो यानी कि ये जो एलिमेंट है x प्लस वाई, या तो ये एलिमेंट W1 सेट का है या ये एलिमेंट W2 का है, क्योंकि एक सबसेट के अंदर तो होगा ही, क्योंकि यूनियन में अलग से तो कोई है नहीं, या तो एलिमेंट है W1 के या है W2 के। तो मैंने x प्लस वाई एलिमेंट जो कि x और y क्योंकि W में हो गया, तो यानी कि x प्लस वाई अगर W के अंदर बिलोंग करता है तो W1 में या W2 में है। तो अब पहला केस मैंने कंसीडर कर लिया कि x प्लस वाई एलिमेंट अगर W1 में है, तो मुझे पता है कि x प्लस वाई एलिमेंट अगर W1 में है तो x एलिमेंट भी W1 में है, और मुझे ये पता है कि W1 एक सबस्पेस है, सबस्पेस होने की वजह से माइनस x भी बिलोंग करता है W1 में, तो इनकी कॉम्बिनेशन यानी कि x प्लस वाई माइनस x भी बिलोंग करेगा W1 में, और इनका सम जो है, क्योंकि सबस्पेस क्लोज अंडर एडिशन है, तो एक्स एक्स कट गया तो वाई बिलोंग करेगा W1 में। पर यहां पे मैं क्या मान के चलूं कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू W1, और यहां पे मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है कि वाई बिलोंग्स टू W1, तो यहां से मेरे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि जो x प्लस वाई एलिमेंट है ये मेरा किसी भी तरीके से W1 के अंदर नहीं हो सकता। अब दोबारा से आ जाओ, अगर x प्लस वाई एलिमेंट मेरा W2 सबसेट स्पेस के अंदर है तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई भी बिलोंग करता है W2 में, और मुझे पता है कि जो y एलिमेंट है ये भी मैंने W2 का लिया है, और क्योंकि W2 एक सबस्पेस है
तो माइनस w y भी बिलोंग करेगा w2 में और फिर इन दोनों का सम भी बिलोंग करेगा w2 में क्योंकि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन. तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे ये वाली वैल्यू कट गई y और यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया x बिलोंग्स टू w2. पर यहां पे मैंने क्या लिया है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू w2 यानी कि ये तो मेरे पास दोनों ही केसेस कंट्राडिक्शन आ गए. तो यानी कि x plus y ना तो w1 के अंदर बिलोंग करता है ना x plus y w2 में बिलोंग करता है. तो यानी जो कुछ भी मैंने कंसीडर किया है मैंने क्या कंसीडर किया कि नाइदर w1 कंटेंडेड w2 नॉर w2 कंटेंडेड w1. तो ये मैंने जो कंट्राडिक्शन मतलब ये मेरी कंट्राडिक्शन है और मेरी सपोजिशन रोंग है. यानी कि मेरे पास क्या होगा either w1 will contained in w2 or w2 is contained in w1. तो मेरे पास यही इसका रिजल्ट आएगा. अब देखो कन्वर्सली क्योंकि आई डबल एफ है तो मुझे दूसरा पार्ट भी करना होगा. अब मैं ये मान लेती हूँ कि अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है तब ये यूनियन इनकी सबस्पेस होगी. तब देखो तब मेरे पास ज्यादा कुछ भी करने के लिए नहीं है बस जस्ट एक सिर्फ एक्सप्रेस ही करनी है बात को. तो अब क्या है क्योंकि देखो w1 पूरी तरीके से w2 में कंटेन करता है तो जब मैं w1 यूनियन w2 लूंगी क्योंकि w1 की एग्जिस्टेंस तो खत्म होगी ये किसके अंदर है पूरी तरीके से w2. तो यूनियन किसके बराबर आ गई w2 और w2 मुझे पता ही है कि सबस्पेस है इसलिए w1 यूनियन w2 भी क्या हो गई सबस्पेस हो गई. बिल्कुल सेम अगर w2 कंटेन करता है w1 में तो यूनियन किसके बराबर हो गई w1 के और w1 फिर से मुझे पता है कि सबस्पेस है तो भी मेरे पास ये w1 यूनियन w2 सबस्पेस हो गई हेंस द रिजल्ट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.